नमस्कार, दिस इज आर के राव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के कैंपस ऑफिशियल एंड आर के कैंपस ऐप। सो बच्चों, आज हम डिटेल में अध्ययन करेंगे, हमारा बहुत ही शानदार टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश के इससे पहले मैंने आपको डिटेल में, बिल्कुल पूरे डिटेल में आपको बताया था कि लेटर क्या होता है, अल्फ़ाबेट क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है ना, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट क्या होता है, ये सब बातें मैंने इससे पहले वाली वीडियो जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश पार्ट वन में आपको डिटेल में बताया था। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट के ऊपर, ठीक है ना। आज हम इस वीडियो में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे और पर्संस के ऊपर डिटेल में अध्ययन करेंगे। भाई जिस बच्चे को नॉलेज नहीं है अबाउट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पर्संस के बारे में, वो इंग्लिश में ही कांट डू नथिंग, वो कुछ नहीं कर सकता। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए थोड़ा मैं शेयर कर दूं कि हमारा एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी एंड आर्मी क्लर्क का एक पेड कोर्स है। ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा मैं, पेड कोर्स है। सो अभी इस पेड कोर्स में हम लोगों ने देखा है कि हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सपना है एयरफोर्स का, लेकिन वो इंग्लिश के कारण उनका ये ड्रीम जो है पूरा नहीं हो पा रहा। तो आप चिंता ना करें इंग्लिश के बारे में, डोंट वरी, बिल्कुल आप 99% स्कोर करें सिर्फ मात्र 499 रुपये में। क्या क्या मिलेगा आपको 499 रुपये में बता देता हूँ आपको। 30 आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेंगे, कैसे, एक्स ग्रुप के। एक्स ग्रुप का 70 नंबर का आपका पेपर होता है, 25 नंबर की फिजिक्स आती है, 25 नंबर का मैथ्स आता है, 20 नंबर की आपकी इंग्लिश आती है। इस तरह से 70 नंबर का हम लोगों ने एक मॉक टेस्ट में फिजिक्स भी दी है, मैथ्स भी दिया है, इंग्लिश भी, इस तरह से 30 मॉक टेस्ट तैयार किए हैं। ये सारे के सारे हमारे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं एक्स ग्रुप में, उससे हमने तैयार किया है। इसी तरह एयरफोर्स के वाई ग्रुप के भी हम लोगों ने 30 ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिए हैं। 50 नंबर का पेपर होता है तो 50 नंबर का पूरा पेपर दिया है आपका, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, इंग्लिश कंप्लीट दिया है। 20 नंबर की इंग्लिश आएगी, 20 की 10 की जीके आएगी, 10 का मैथ्स आएगा, 10 की रीजनिंग आएगी, कंप्लीट दिया है। 30 मॉक टेस्ट दिए हैं आपके। ये मॉक टेस्ट भी हम लोगों ने जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आधार पर दिए गए। क्वेश्चंस मोस्टली एयरफोर्स में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं बेटा, ठीक है ना। और साथ में इंग्लिश ग्रामर और वोकब जो है उसका कंप्लीट कोर्स हमने दिया है, जिसकी कीमत है 499 रुपये। आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जो है ना आर के कैंपस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप ये कोर्स खरीद सकते हैं, या गेट इट ऑन गूगल प्ले से भी आप जो है ना इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई टॉपिक। माई टॉपिक इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश। माई टॉपिक इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश, दिस इज पार्ट सेकेंड है हमारा भाई, दिस इज पार्ट सेकेंड है। पार्ट फर्स्ट में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ लेटर के बारे में, अल्फ़ाबेट के बारे में। भाई इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, अल्फ़ाबेट एक होता है, अल्फ़ाबेट्स नहीं होता। इसमें अल्फ़ाबेट में एस लगते ही इसका मीनिंग बदल जाता है, भाषाएं बन जाता है, ठीक है ना। और लेटर्स जो होते हैं इंग्लिश में 26 होते हैं। मैंने वर्ड्स के बारे में आपको डिटेल में बताया कि भाई एक वर्ड्स में कम से कम जो है ना एक वोवल और एक कॉन्सोनेंट का होना जरूरी होता है, तभी वो वर्ड्स बनता है। लेकिन ट्राई जो होता है उसमें कोई वोवल नहीं है। तो हमने बताया कि हमारे सेमी वोवल्स होते हैं, ट्राई है, वाई है, डब्ल्यू और वाई हमारे दो सेमी वोवल्स होते हैं, ठीक है ना। डिटेल में आपको हमने बताया था, सब्जेक्ट के बारे में बताया, वर्ब के बारे में बताया कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब में क्या रिलेशन है, व्हाट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या एग्रीमेंट है। अभी हमारा ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश का पार्ट सेकंड है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और पर्संस के ऊपर। देखिए भाई,
बहुत सारे नहीं, ईच एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और मोस्टली एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के अंदर एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के ऊपर पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के ऊपर पूछा जाता है। और हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के ऊपर उनमें बड़ा कंफ्यूज होता है, उन बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं और हमारे बच्चे जो होते हैं सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इसी चीज़ में कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। और एक सामान्य टीचर जो होता है, ठीक है ना, मेरे शहर में ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो कहते हैं भी देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं आज पूरी कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरा सेटिस्फाई कर सकूं। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर करने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। देखिए भाई, तो क्या होता है, हमारे यहाँ पे एक नियम हम लोगों ने बनाया है कि भी सब्जेक्ट के बाद में आम तौर पे हमें क्या बताया गया है कि सब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ये हमारी एक धारणा बन गई है, ये हमारी एक धारणा बन गई है। एक सामान्य टीचर जो है वही बताता है कि भी वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन नहीं भाई, वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट भी आता है, वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट भी आता है, वर्ब के बाद में क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट भी आता है। कैसे, इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, जैसे मैंने कहा बहुत ही सरल और सरल और साधारण भाषा में आपको समझाऊंगा, मैंने कहा मोहन हैज अ पेन, एक सेंटेंस में यहां पे लिख रहा हूं कि मोहन हैज अ पेन, मोहन हैज अ पेन, सीता इज अ गर्ल, सीता इज अ गर्ल, सीता इज अ गर्ल, दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं। अब आम तौर पे हम लोग क्या कहते हैं कि भी ये मोहन तो हमारा क्या है, दिस इज आवर सब्जेक्ट, हैज हमारी क्या है, दिस इज अ वर्ब, और वर्ब के बाद आने वाली नाउन या प्रोनाउन जो होती है वो क्या कहलाती है, दैट्स ऑब्जेक्ट, हमने ऐसा सुना है, क्या कहलाती है, वो ऑब्जेक्ट कहलाती है। एक सामान्य टीचर जो होता है, मेरे शहर में ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं इंग्लिश के जो कहते हैं भी वर्ब के बाद में जो है ना आने वाली नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट कहलाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कैसे नहीं है भाई, वर्ब के बाद आने वाली नाउन या प्रोनाउन, इट मे बी ऑब्जेक्ट एंड इट मे बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम लोग क्लियर कैसे करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि भाई ये ऑब्जेक्ट है और ये कॉम्प्लीमेंट है। हमारे पास देखिए, इसमें सीता क्या है, दिस इज ए सब्जेक्ट है, इज हमारा वर्ब है, और अ गर्ल क्या है, दिस इज अ नाउन है, एक हमारी नाउन है, पेन जो है दिस इज ऑल्सो नाउन, एक नाउन है। अब देखिए भी आप कैसे पहचानेंगे, मैं आपको एक सीधा बिल्कुल आसान तरीका बताता हूं, यानी कि मोहन हैज अ पेन, हमारा सब्जेक्ट जो है वो देखिए सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, और पेन हमारा, हमारी नाउन क्या है, पेन है, ठीक है ना। सो पेन और मोहन दो अलग अलग चीजें हैं, मोहन एंड पेन आर टू डिफरेंट थिंग्स, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट को रिपीट नहीं कर रहा, इसमें क्या है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड नाउन आर टू डिफरेंट थिंग्स, दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें हैं, सब्जेक्ट एंड नाउन आर
टू डिफरेंट थिंग, जो अलग अलग चीजें हैं, महन अलग है और पेन अलग है। कहने का मतलब यह है कि आपकी जो नाउन जो है ये सब्जेक्ट को रिपीट नहीं कर रही, सेम सब्जेक्ट ऐसा नहीं है। तो यदि आपकी नाउन या प्रोनाउन, ये आपकी नाउन या प्रोनाउन जो है जो सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करती है, तो वर्ब के बाद आने वाली नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट कहलाती है। आने वाली नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट कहलाती है। यानी कि एक साधारण भाषा में आप ऐसे कह सकते हैं कि सब्जेक्ट या वर्ब के बाद आने वाली नाउन या प्रोनाउन यदि एक जैसी नहीं है, एक जैसी नहीं है, सेम नहीं है, तो वर्ब के बाद आने वाली नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाएगी? ऑब्जेक्ट कहलाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। आसान भाषा में आप ऐसे कह सकते हैं कि वर्ब के बाद आने वाली नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट जैसी नहीं है, या आप कह सकते हैं सब्जेक्ट को रिपीट नहीं कर रही है, तो वर्ब के बाद आने वाली नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाएगी? ऑब्जेक्ट कहलाएगी। इज द क्लियर? सो यहां पे अ पेन जो है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ये पेन जो है एक ऑब्जेक्ट है। इज द क्लियर? ओके। सेंटेंस नंबर, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, सीता इज अ गर्ल। सीता हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद एक नाउन आई हमारी। मैंने बताया कि वर्ब के बाद आने वाली नाउन या प्रोनाउन, एक आम टीचर कहता है कि वो ऑब्जेक्ट होती है, मैं कहता हूं कि नहीं, इट मे बी कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट भी हो सकती है। कैसे होगी कॉम्प्लीमेंट? देखिए भाई, अब मैंने क्या बताया आपके कि नाउन एंड, अब देखिए भाई, सब्जेक्ट है और इज हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद आने वाली नाउन जो है वो सब्जेक्ट को रिपीट कर रही है। यानी कि सीता और गर्ल आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स, सीता एंड गर्ल आर नॉट टू डिफरेंट थिंग, आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स, ये एक ही है। सीता ही गर्ल है और गर्ल ही सीता है। यानी कि कहने का मतलब है कि वर्ब के बाद आने वाली नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट को रिपीट करती है, यानी कि सेम सब्जेक्ट जैसी है, तो वर्ब के बाद आने वाली नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाएगी? कॉम्प्लीमेंट कहलाएगी। यहां पे गर्ल जो है, अ गर्ल जो है, ये कॉम्प्लीमेंट है, दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वर्ब के बाद आने वाली नाउन जो है वो सब्जेक्ट को रिपीट कर रही है, वो सेम सब्जेक्ट जैसी है। यानी कि सीता ही गर्ल है और गर्ल ही सीता है, सीता ही गर्ल है और गर्ल ही सीता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एक और सेंटेंस लेते हैं कि सुरेश हैज अ हॉर्स, सुरेश हैज अ हॉर्स, सुरेश के पास क्या है? एक घोड़ा है। तो सुरेश यहां पे क्या है? दिस इज सब्जेक्ट। आप देखते हैं ये सब्जेक्ट है, हैज क्या है? दिस इज अ वर्ब, और वर्ब के बाद में आने वाली नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट भी हो सकती है और कॉम्प्लीमेंट भी हो सकती है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यदि वर्ब के बाद आने वाली नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करती है, यानी कि सब्जेक्ट जैसी नहीं है, सब्जेक्ट अलग है और नाउन हमारी, ये हॉर्स नाउन जो है ये अलग है, तो ये दिस इज ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, दिस इज ऑब्जेक्ट। अब मैंने कहा कि सुरेश इज अ टीचर,
अब देखिए भाई, इसमें हम लोग पहचान आइडेंटिफाई करेंगे कि इज हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद जो नाउन आ रही है टीचर, ये ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट पे आते हैं। सब्जेक्ट है हमारा सुरेश, सब्जेक्ट हमारा सुरेश है, वर्ब हमारी इज है, इज के बाद आने वाली नाउन जो है सुरेश इज अ टीचर, सुरेश ही टीचर है और टीचर ही सुरेश है, यानी कि वर्ब के बाद आने वाली नाउन जो है वो सब्जेक्ट को रिपीट करती है, सेम सब्जेक्ट जैसी है। या आसान भाषा में आप कह सकते हैं कि वर्ब के बाद आने वाली नाउन जो है वो सेम नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकती है, वो सेम सब्जेक्ट ही है, सेम सब्जेक्ट जैसी है, सब्जेक्ट को रिपीट करती है। तो वर्ब के बाद आने वाली नाउन या प्रोनाउन यदि सब्जेक्ट को रिपीट करती है तो वो क्या कहलाती है, दैट्स कॉम्प्लीमेंट, दैट्स कॉम्प्लीमेंट कहलाती है। वो क्या कहलाती है, कॉम्प्लीमेंट कहलाती है भाई, क्या कहलाती है, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाती है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिए भाई आगे, टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट हमारे पास। कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, हमारे पास दो तरह के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, ऐसी, ऐसी का मतलब होता है दिस इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, दिस इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, दिस इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और ओसी का अर्थ है दिस इज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, यानी कि देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। भाई आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर, एयरफोर्स नेवी आर्मी के अंदर मोस्टली क्वेश्चंस यहां से आते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस आपके यहां से आता है, ठीक है ना, ठीक है ना, इज दैट क्लियर? देखिए अब हम कैसे पहचानेंगे, वही सेंटेंस ले रहा हूं मैं, गीता इज अ गर्ल, गीता इज अ गर्ल, एक मिनट भाई, गीता इज अ गर्ल, गीता इज अ गर्ल, गीता इज अ गर्ल। अब देखिए भाई, अब यहां पे वर्ब क्या है हमारी, इज है, वर्ब के बाद आने वाली नाउन या प्रोनाउन, वर्ब के बाद आने वाली नाउन या प्रोनाउन यदि सेम टू सेम सब्जेक्ट को रिपीट करती है, अब ये सब्जेक्ट को रिपीट कर रही है, गीता ही गर्ल है और गर्ल ही सीता है, तो वह सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, दिस इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, दिस इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्या कहलाएगा, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है ये आपको अभी बताते हैं भाई, द ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है अगले पेज में आपको समझाएंगे। देखिए, द टीम इलेक्टेड हिम द कैप्टन, द टीम इलेक्टेड हिम द कैप्टन, द टीम इलेक्टेड हिम द कैप्टन। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन भाई जो है एयरफोर्स वाई ग्रुप में आया हुआ है, एयरफोर्स वाई ग्रुप में 2014 में, 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ आपका एयरफोर्स के अंदर, द टीम इलेक्टेड हिम द कैप्टन। अब इस क्वेश्चन को आप समझिए, इसको हमने देखना है कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है या फिर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। टीम हमारी क्या है, दिस इज अ सब्जेक्ट, इट्स अ सब्जेक्ट। इलेक्टेड जो है दिस इज अ वर्ब, ये हमारी वर्ब है, और वर्ब के बाद
आने वाली नाउन या प्रोनाउन, एक प्रोनाउन आ रही है हमारी, ये नाउन नहीं है, दिस इज अ प्रोनाउन, आने वाली प्रोनाउन क्या है वो देखते हैं जरा। अब टीम अलग है, द टीम इलेक्टेड हिम, टीम ने उसे चुना, यानी कि वर्ब के बाद आने वाली प्रोनाउन जो है ये हमारे सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करती है, सब्जेक्ट अलग है और वर्ब के बाद आने वाली प्रोनाउन अलग है, डिफरेंट है, टू डिफरेंट थिंग्स है, ठीक है ना, यानी कि ये सब्जेक्ट को रिपीट नहीं कर रही है। इसका मतलब हिम जो है, हिम हमारा क्या है, दिस इज ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। जैसे पहले वाला सेंटेंस था ना कि मोहन हैज अ पेन, मोहन हैज अ पेन, तो यहां पे पेन जो है ये ऑब्जेक्ट है, क्यों है ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब हमारी है जो है, हैज के बाद आने वाली नाउन जो है वो सब्जेक्ट को रिपीट नहीं कर रही, ये हमारा सब्जेक्ट है। सो यदि वर्ब के बाद आने वाली नाउन यानी कि सेम टू सेम आने वाली नाउन सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करती है, तो वर्ब के बाद आने वाली नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट कहलाती है। तो यहां पे भी ऐसा ही है, टीम हमारा क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, इलेक्टेड हमारा वर्ब है, और वर्ब के बाद आने वाली प्रोनाउन जो है वो हमारे सब्जेक्ट की सेम एज इट इज सब्जेक्ट नहीं है, टीम अलग है और हिम अलग है, टीम ने तो उसे इलेक्ट किया है, चुना है, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, इज दैट क्लियर, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए हिम के बाद में एक नाउन हमारी और आई है, द कैप्टन, दिस इज अ नाउन, दिस इज अ नाउन। अब ये क्या है, हिम ही कैप्टन है, देखो द टीम इलेक्टेड हिम, टीम ने उसे चुना, द कैप्टन, कैप्टन, सो हिम ही कैप्टन है और कैप्टन ही हिम है, यानी कि ये नाउन ऑब्जेक्ट को रिपीट कर रही है, सेम ऑब्जेक्ट जैसी है, हिम ही कैप्टन है और कैप्टन ही हिम है, यानी कि ये हमारी नाउन जो है इस ऑब्जेक्ट के बाद में जो नाउन आ रही है ये इस ऑब्जेक्ट को रिपीट कर रही है, ना कि हमारे सब्जेक्ट को। तो यहां के हिम द कैप्टन हमारा का पूरा पूरा क्या है, दिस इज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा क्या है, दिस इज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, इज दैट क्लियर। सो भाई ये क्वेश्चन जो है आपका एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। मैं एक बार फिर इसको समझा रहा हूं, द टीम इलेक्टेड हिम द कैप्टन, द टीम इलेक्टेड हिम, यहीं पे देख लो भैया ब्रेस को, द टीम इलेक्टेड हिम द कैप्टन, टीम ने उसे कैप्टन चुना, ठीक है ना। तो टीम हमारी यहां पे क्या है, एक सब्जेक्ट है, इलेक्टेड एक वर्ब है, वर्ब के बाद एक प्रोनाउन आ रही है, वो हमारे सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करती है, सेम सब्जेक्ट जैसे नहीं है, तो दिस इज ऑब्जेक्ट, हिम यहां पे ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के बाद आने वाली नाउन जो है वो इसी ऑब्जेक्ट को रिपीट कर रही है, सेम टू सेम, सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम, इसी ऑब्जेक्ट को रिपीट कर रही है, इसी ऑब्जेक्ट को रिपीट कर रही है, इज दैट क्लियर, ओके। सो एक सेंटेंस मैं आपके सामने एक और लिखूंगा, एक सेंटेंस और लिखूंगा, ये भी आपका जो है ना नेवी के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, द डायरेक्टर इनवाइटेड हर द चीफ गेस्ट, द डायरेक्टर, द डायरेक्टर invited her the chief guest, ये question आपका नेवी के अंदर आया हुआ है, अभी नेवी के अंदर ये question आया हुआ है आपका 2018 के अंदर, ये क्वेश्चन आपका नेवी के अंदर आया हुआ है, द डायरेक्टर इनवाइटेड हर द चीफ गेस्ट,
ठीक है, अब देखिए, देखते हैं ये क्या है भाई, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है या फिर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अब हमारा यहां पे डायरेक्टर क्या है, दिस इज अ सब्जेक्ट, और इनवाइटेड क्या है, इज अ वर्ब, इट्स अ वर्ब, और हर जो है ये हमारा प्रोनाउन है। हर हमारा क्या है, दिस इज अ प्रोनाउन, और द चीफ गेस्ट हमारा क्या है, दिस इज अ नाउन, दिस इज अ नाउन। ठीक है, चीफ गेस्ट आ रहा है कोई भी, ठीक है ना, एक नाउन का काम कर रही है। अब देखते हैं भाई क्या है, हमारा नियम क्या है कि भी वर्ब के बाद आने वाली नाउन या प्रोनाउन यदि सब्जेक्ट को सेम टू सेम सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करती है, सब्जेक्ट को रिपीट करती है तो वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। यानी कि सेम टू सेम, अब डायरेक्टर यहां पे अलग है चीज है और हर यहां पे अलग चीज है, दोनों डिफरेंट, दो डिफरेंट चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें हैं, तो हर यहां पे क्या है, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद, ऑब्जेक्ट के बाद आने वाली नाउन जो है, हर द चीफ गेस्ट, यानी कि हर ही चीफ गेस्ट है, और चीफ गेस्ट जो है वही हर है। यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद आने वाली नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट को रिपीट कर रही है ना कि सब्जेक्ट को, तो दिस इज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। हर द चीफ जो है, हर द चीफ जो है, दिस इज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। सो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसे, इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे ढंग से जो है ना स्टडी किया है। दूसरा कह सकते हैं कि द डायरेक्टर, द प्रिंसिपल, या ऐसे भी कह सकते हैं, एक सेंटेंस और लेता हूं, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल सेलेक्टेड सेलेक्टेड हर इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर, तो वो यही है, प्रिंसिपल अलग चीज है, हर यहां पे अलग चीज है, हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद आने वाली नाउन जो है एक इंग्लिश टीचर है, ठीक है ना, वो हमारी नाउन है, वो सेम एज इट इज है, तो हर इंग्लिश टीचर क्या है, दिस इज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, इज दैट क्लियर। सो मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के ऊपर, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का, इज दैट क्लियर। सो इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दिस इज पर्सन। भाई पर्सन जो होते हैं वो इंग्लिश में, देयर आर थ्री टाइप ऑफ पर्सन, देयर आर थ्री टाइप ऑफ पर्सन, इंग्लिश में पर्सन जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं भाई। फर्स्ट पर्सन, दिस इज आवर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ध्यान रखना कि जिस बच्चे ने पर्सन के बारे में नॉलेज नहीं है, पर्सन का उसको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है, वो इंग्लिश में ही कैन डू नथिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में वो कुछ नहीं कर सकता, इंग्लिश में वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। यदि किसी बच्चे को, ये तो समझ लो कि आपकी नींव है, दिस इज द बेस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का एक बेस है, एक फाउंडेशन है इंग्लिश की, तो पर्सन्स तो आपको बड़े ध्यान से स्टडी करने का टॉपिक है, बड़े ही जो है ना इंटेंटिवली एंड केयरफुली आपको इस टॉपिक को स्टडी करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कह सकते हैं कि ये तो इंग्लिश की जान है, दिस इज द लाइफ ऑफ इंग्लिश, ये तो इंग्लिश की जान है, पर्सन क्या है, ये इंग्लिश की जान है भाई, पर्सन इंग्लिश की जान है, पर्सन क्या है, इंग्लिश की जान है, ठीक है ना। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पर्सन जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, दिस इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन।
अब फर्स्ट पर्सन जो है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट पर्सन हमारे पास दो होते हैं, आई एंड वी। आई हमारा क्या है, सिंगुलर होता है, जैसे मैं, आई मीन्स मैं, ये हमारा सिंगुलर होता है। फर्स्ट पर्सन के दो प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन के कितने प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन के देयर आर टू प्रोनाउन्स, दो प्रोनाउन्स होते हैं। सिंगुलर प्रोनाउन हमारा आई होता है, जिसका अर्थ होता है मैं। प्लूरल प्रोनाउन हमारा वी होता है, जिसका अर्थ होता है हम, यानी कि एक से अधिक, ठीक है ना। और फर्स्ट पर्सन क्या होता है, द पर्सन स्पीकिंग, जो बात कर रहा हो, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, सो आई एम अ फर्स्ट पर्सन, आई एम अ फर्स्ट पर्सन, मैं फर्स्ट पर्सन हूं जो बात कर रहा हो, कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना। द पर्सन स्पीकिंग, जो बात कर रहा हो, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, सो आई एम फर्स्ट पर्सन, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आई एम फर्स्ट पर्सन, इज द क्लियर। जो बात कर रहा हो वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। इंग्लिश में आप कह सकते हैं द पर्सन स्पीकिंग, इज द क्लियर। ओके, नेक्स्ट आता है सेकंड पर्सन। देखिए भाई, सेकंड पर्सन क्या होता है, द पर्सन बीइंग स्पोकन, द पर्सन बीइंग स्पोकन, जो बात सुन रहा है, जैसे मैं बात कह रहा हूं और आप मेरी बात सुन रहे हो, मैं आई एम फर्स्ट पर्सन एंड यू आर सेकंड पर्सन, जो बात सुन रहा है, आप मेरी बात सुन रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप मेरी बात सुन रहे हो, आप लोग सेकंड पर्सन है। द पर्सन बीइंग स्पोकन, जो बात सुन रहा है, कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो बात सुन रहा है किसी की, वो सेकंड पर्सन कहलाता है। सेकंड पर्सन का हमारा एक प्रोनाउन ही होता है यू, ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, लेकिन यू के साथ, यू के बाद आने वाली वर्ब जो है वो हमेशा प्लूरल ही लगेगी, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, प्लूरल वर्ब लगेगी। वर्ब हमेशा क्या लगेगी, प्लूरल ही वर्ब लगेगी। कैसे, जैसे मैंने इसको माने सिंगुलर लेता हूं कि एक लड़का है, तो मैं उसको ऐसे थोड़ी बोलूंगा कि भाई यू इज माई बेस्ट फ्रेंड, यू इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये तो गलत है सेंटेंस। नहीं, यू के बाद आने वाली वर्ब जो है वो हमेशा प्लूरल ही रहेगी। यू के बाद आने वाली वर्ब जो है वो हमेशा क्या रहेगी, प्लूरल ही रहेगी। यू के बाद आने वाली वर्ब जो है वो हमेशा क्या रहेगी, वो हमेशा क्या रहेगी, प्लूरल ही रहेगी। तो यहां पे आएगा कि यू आर, इज नहीं आएगा, यहां पे आएगा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, 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 इज द क्लियर। ओके, सो सेकंड पर्सन कौन होता है, द पर्सन बीइंग स्पोकन, जो बात सुन रहा है कोई व्यक्ति। इसका एक ही प्रोनाउन होता है यू, ये सिंगुलर भी होता है एंड प्लूरल भी होता है। फर्स्ट पर्सन के मैंने कितने बताए, दो प्रोनाउन है, आई सिंगुलर है और वी प्लूरल है, जो बात कह रहा है और जो बात सुन रहा है, दैट इज सेकंड पर्सन। एंड नाउ आई विल टेल यू अबाउट थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में। द पर्सन बीइंग स्पोकन अबाउट, द पर्सन बीइंग स्पोकन अबाउट का अर्थ है कि फर्स्ट व सेकंड पर्सन किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बातें कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम फर्स्ट पर्सन, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, यू आर सेकंड पर्सन। और यदि मैं बोलूं, मान लीजिए मेरा कोई स्टूडेंट है मनोज, और मैं कहता हूं कि भाई मनोज, सुरेश जो है वो एक अच्छा लड़का है, तो मैं तो क्या हूं, फर्स्ट पर्सन हूं, मनोज सेकंड पर्सन मेरी बात सुन रहा है, और जिसके बारे में, फर्स्ट व सेकंड पर्सन जिसके बारे में बातें कर रहे हैं, सुरेश के बारे में बातें कर रहे हैं, सो सुरेश इज अ थर्ड पर्सन,
इज दैट क्लियर? मैंने कहा, मान लीजिए मैं हूं, मैं दिस इज आर के राव फर्स्ट पर्सन हूं, मैं किसी से बात कर रहा हूं सेकंड पर्सन से, पढ़ा रहा हूं, मान लीजिए मनीष नाम के लड़के को पढ़ा रहा हूं मैं, और मैं कहता हूं कि भाई मनीष आप तो पढ़ाई में बहुत ही इंटेलिजेंट है, लेकिन जो सुरेश जो है वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मैं मनीष, मेरी बात सुन रहा है, और हम किसके बारे में बातें कर रहे हैं, सुरेश के बारे में बातें कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन के व्यक्ति के बारे में बातें कर रहे हैं, तो सुरेश दस अ थर्ड पर्सन। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, वंस आई अगेन मैं रिपीट करता हूं, वंस आई रिपीट कि द पर्सन बींग स्पोकन अबाउट, यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बातें करे तो तीसरा व्यक्ति क्या कहलाएगा, थर्ड पर्सन कहलाएगा। थर्ड पर्सन के हमारे पास प्रोनाउन होते हैं, सिंगुलर के दो प्रोनाउन होते हैं, ही, दिस इज सिंगुलर, ही मींस वह, ये हमारा मेल सेक्स के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग, ही का प्रयोग हम लोग मेल सेक्स के लिए करते हैं, और सी वह होता है, इसका हम लोग फीमेल सेक्स के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्लूरल हमारा एक होता है, प्लूरल मींस दे, इसका मेल और फीमेल दोनों के लिए प्रयोग करते हैं, मेल व फीमेल सेक्स दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। इज दैट क्लियर? आप देखिए इसमें हम लोग एग्जांपल देते हैं, जैसे राम ने श्याम से कहा कि मोहन कल घर आएगा। अब राम ने, राम तो क्या है, बात कहने वाला है, द पर्सन स्पीकिंग, और द पर्सन स्पोकन बींग स्पोकन, बात सुनने वाला कौन है, राम ने श्याम से कहा, राम तो बात कहने वाला है, और राम की बात कौन सुन रहा है, जो फर्स्ट पर्सन की बात सुन रहा है श्याम, ये हमारा क्या हो गया, दिस इज सेकंड पर्सन हो गया, और जो बात को कहने वाला है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। और किसके बारे में, फर्स्ट और सेकंड पर्सन दोनों मिलकर के किसके बारे में बातें कर रहे हैं, मोहन के बारे में बातें कर रहे हैं, सो मोहन दिस इज थर्ड पर्सन। भाई राम ने श्याम से कहा, यानी कि फर्स्ट पर्सन बात कहने वाला और सुनने वाला किसके बारे में बातें कर रहे हैं, मोहन के बारे में बातें कर रहे हैं। तो आया था ना कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करें तो थर्ड पर्सन कहलाता है। इज दैट क्लियर? ओके, जैसे और एग्जांपल्स हैं, मान लो मैं तुमसे उसके बारे में बात कर रहा हूं, मान लो मैं दिस इज फर्स्ट पर्सन है, दिस इज अ फर्स्ट पर्सन, तुमसे आपसे सेकंड पर्सन है, उसके बारे में बातें कर रहा हूं किसी तीसरे व्यक्ति की, यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बातें करें तो ये थर्ड पर्सन कहलाता है, दिस इज थर्ड पर्सन। इज दैट क्लियर? ओके, अब देखिए एक और है, राम ने श्याम से कहा कि तुम मनोज के घर जा रहे हो। राम जो है ये बात कहने वाला है, इसकी बात सुनने वाला श्याम है जो सेकंड पर्सन है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन कहने वाला है, बात को कहने वाला है, सेकंड पर्सन बात सुनने वाला है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन किसी और के बारे में बातें करें, किसी तीसरे के बारे में बातें करें तो वो हमारा क्या कहलाता है, थर्ड पर्सन है। तो यहां मनोज जो है दिस इज थर्ड पर्सन, श्याम सेकंड पर्सन, और राम फर्स्ट पर्सन, जो बात कहने वाला है, जो बात सुनने वाला है वो सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन किसी के बारे में बातें करें वो थर्ड पर्सन कहलाता है। इज दैट क्लियर? सो आई थिंक ये आपका टॉपिक जो है पर्सन का बिल्कुल क्लियर हो गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब हम डिटेल में अध्ययन करेंगे इसकी टेबल के बारे में। भाई ये दो है वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जिस बच्चे ने टेबल फॉर पर्सन बिल्कुल क्लियर कर दिया है, उस बच्चे को लाइफ में क्या कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। देखिए भाई, ये हमारे पर्सन्स हैं, थोड़ा सा लाइन मार देता हूं, सॉरी 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 सॉरी
यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा पूरा का पूरा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है हमारा, ठीक है भाई। फर्स्ट पर्सन का मैं सबसे पहले सिंगुलर लेता हूं आई, ठीक है ना, और उसके बाद में ये हमारा वी जो है ये हमारा प्लूरल है, वी हमारा क्या है, प्लूरल है, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन के दो प्रोनाउन होते हैं, आई सिंगुलर है और वी हमारा क्या है, इस प्लूरल। इसका सब्जेक्टिव केस जो होता है वो होता है आई, आई, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो होता है मी। अब हमारे पास क्या आता है, दिस इज पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस के दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव ये होता है इसका माई, और पॉजिटिव प्रोनाउन दिस इज माइन। अब भाई ये आप देखो, नेक्स्ट पेज के ऊपर मैं आपको समझा देता हूं ये क्या है। आई जो है ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, जैसे किसी ने कहा कि भाई आई एम, चलो यहां पे भी समझा देता हूं मैं, आई एम अ टीचर, तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज सब्जेक्टिव केस। मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है, मान लीजिए वो कहता है कि ही टीचेस मी, ही टीचेस मी, वो मुझे पढ़ाता है, तो मी जो है यहां पे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया हमने, मी हमारा क्या है यहां पे ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। और किसी ने कह दिया कि भाई दिस इज माय बुक, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, तो माई जो है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, दिस इज पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्यों, ये पोजिशन को दर्शाता है, अधिकार को दर्शाता है, और अधिकार केवल लिविंग के पास होता है, नॉन लिविंग के पास अधिकार नहीं होता। ये मैं आपको डिटेल में, हमारा एक अलग से टॉपिक आएगा उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा। सो दिस इज माई बुक, तो माई यहां पे क्या है, माई यहां पे हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये अधिकार को दर्शाता है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में कोई भी नाउन या प्रोनाउन आना जरूरी है, ठीक है ना, दिस इज माई बुक। और माइन जो है, माइन हमारा क्या है, माइन ये हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि दिस इज माइन बुक, तो ये सेंटेंस हमारा गलत होगा लिखना, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद, सॉरी पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद में कोई भी नाउन नहीं आ सकती, कोई भी नाउन नहीं आ सकती, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में कोई भी नाउन आ सकती है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन जो है, माइन जो है, इसके बाद में कोई नाउन नहीं आ सकती, तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। मैं एक बार दोबारा से नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा आपको कर देता हूं, मैंने कहा भी दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, तो माई यहां पे क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में कोई भी नाउन आ सकता है, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, और पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद में कोई नाउन नहीं आ सकता, यदि माई का माइन बनेगा पॉजिटिव प्रोनाउन, तो यदि मैं सेंटेंस को ऐसे लिखता हूं, दिस इज माइन बुक, तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल गलत है, क्यों है, माइन हमारा क्या है, दिस इज आवर पॉजिटिव प्रोनाउन, दिस इज आवर पॉजिटिव प्रोनाउन, और पॉजिटिव प्रोनाउन दिए रहा हमारा, देखो दिस इज आवर
पॉजिटिव प्रोनाउन, ये हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है। और पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद में कोई भी नाउन नहीं आ सकती, फुल स्टॉप आएगा। तो इस सेंटेंस को हम लिख सकते हैं ऐसे, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट आता है भी हमारा प्लूरल, इसका सब्जेक्टिव केस वी का वी होता है। वी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? वी होता है। जैसे मान लीजिए वी, यहां पे हम कर सकते हैं कि वी आर टीचर्स, हम यहां पे लिख सकते हैं कि भाई वी आर टीचर्स, वी आर टीचर्स, हम लोग अध्यापक हैं। तो वी यहां पे क्या है? एक सब्जेक्टिव केस है, ठीक है ना। और अस क्या बनेगा? वो इसका क्या बनेगा? ऑब्जेक्टिव केस बनेगा। जैसे ही टीचेस अस, ही टीचेस अस, यहां पे लिख देता हूं मैं, ही टीचेस अस, तो अस यहां पे क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है ना। और आवर, ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव बन गया। और आवर्स, ओ यू आर एस, आवर्स हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन बन गया। अब देखिए भाई, आवर्स प्लूरल के लिए प्रयोग करते हैं, मैं आपको समझाता हूं। मैंने ऐसी ले रहा हूं मैं, दिस इज आवर बुक, मान लीजिए दो बंदे हैं, प्लूरल हैं, तो वो ऐसे कह सकते हैं दिस इज आवर बुक, दिस इज आवर बुक। अब माई जो था वो सिंगुलर था, आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव था, अधिकार को दर्शाता है। यहां पे दो बंदों की किताब है, तो दोनों कह सकते हैं दिस इज आवर बुक, ये हमारी किताब है। आवर जो है ये एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है जो अधिकार को दर्शाता है, जो किसको दर्शाता है? अधिकार को दर्शाता है। माई भी अधिकार को दर्शाता है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है सेंटेंस। और आवर्स जो है वो इसका क्या बनेगा? पॉजिटिव प्रोनाउन बनेगा। तो मैं इसको ऐसे क्या लिख सकता हूं, दिस इज आवर्स बुक, नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ना कि भी माइन जो है वो क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो आवर्स क्या है? एक पॉजिटिव प्रोनाउन है, और पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद में कोई भी नाउन नहीं आ सकती। तो ये सेंटेंस बनेगा, दिस बुक इज आवर्स, यानी कि पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद में फुल स्टॉप लगेगा, कोई नाउन नहीं आ सकती। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास भाई सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, यू है, सिंगुलर है, एक प्लूरल ले लो, एक ही है, दोनों दोनों का प्रयोग हम सिंगुलर में भी करते हैं और प्लूरल में भी करते हैं, ठीक है। देखिए यू जो है इसको हम लोग सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कह दिया कि यू आर माय टीचर, यू आर माय टीचर, यू आर माय टीचर, तो यू यहां पे क्या है? एक सब्जेक्टिव केस है। और यू जो होता है वही इसका ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। जैसे आई टीच यू, आई विल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो यू यहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया है, दिस इज ऑब्जेक्टिव केस। यानी कि यू एक सब्जेक्टिव केस भी है और यू एक ऑब्जेक्टिव केस भी है। पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है वो इसका बनेगा योर, और पॉजिटिव प्रोनाउन जो है वो इसकी बनेगी योवर्स, योवर्स। इज दैट क्लियर? तो इसको थोड़ा समझाते हैं भाई। किसी ने कहा दिस इज योर बुक, दिस इज योवर बुक, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। योर क्या है? एक पॉजिटिव
एडजेक्टिव है और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में हम किसी भी नाउन को लिख सकते हैं, कोई भी नाउन आ सकता है, ठीक है ना, और जो अधिकार को दर्शाता है, ठीक है ना। लेकिन यदि ये ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते इस सेंटेंस को कि दिस इज योवर्स बुक, ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते, बिल्कुल गलत है ये, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि योवर्स जो है ये क्या है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, ये रहा आपका, दिस इज अ पॉजिटिव प्रोनाउन है आपका, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है आपका, और पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद में कोई नाउन नहीं आ सकती, कोई नाउन नहीं आ सकती। तो इस सेंटेंस को हम लोग ऐसे लिखेंगे, दिस बुक इज योवर्स, दिस बुक इज योवर्स, ये किताब आपकी है, इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग भाई थर्ड पर्सन के ऊपर, दिस इज थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के ऊपर चलते हैं हम लोग। थर्ड पर्सन के हमारे पास प्रोनाउन है, तीन होंगे, इट को भी हम लोग ले लेंगे इसमें, ही सी और दे। देखो भाई, ही जो है इसका प्रयोग हम लोग मेल सेक्स के लिए करते हैं भाई, मेल सेक्स के लिए, और सिंगुलर में, ये सिंगुलर है, दिस इज सिंगुलर, दिस इज सिंगुलर आल्सो, सिंगुलर है। और सी का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, फीमेल सेक्स के लिए करते हैं। और दे का प्रयोग हम लोग प्लूरल के लिए करते हैं, दिस इज प्लूरल, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए इसका प्रयोग करते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, ये रह गया था आपका प्लूरल, प्लूरल में भी सेम होता है भाई, सेम होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, इसका भी सेम होता है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग ही के ऊपर, ही हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है जो मेल सेक्स को डिनोट करता है, इसका सब्जेक्टिव केस ही होगा, इसका सब्जेक्टिव केस ही होगा और ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज होगा और पॉजिटिव प्रोनाउन हिज होगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे भाई, सब्जेक्ट के रूप में, ये रहा सब्जेक्ट के रूप में, ही टीचेस मी, तो ही यहां पे क्या है, एक सब्जेक्टिव केस है। हिम, आई लाइक हिम, आई लाइक हिम, आई लाइक हिम, तो यहां पे हिम क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस के रूप में प्रयोग किया गया, हिम यहां पे एक ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया गया है। और हिज जो है ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और हिज जो है ये हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है। इसका देखिए नेक्स्ट पेज में मैं आपको बता दूं भाई, दिस इज हिज बुक, दिस इज हिज बुक। इसमें हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हिज यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव है या पॉजिटिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पे हिज जो है ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है जो अधिकार को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद में नाउन आ रही है, ठीक है ना। इसको हम लोग यदि ऐसे लिखेंगे कि भाई दिस, अब इसमें एस का तो कोई है ही नहीं, दिस इज, दिस बुक इज हिज, तो यहां पे हिज जो है ये हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन को डिनोट करेगा कि हिज हमारा यहां पे क्या है, ये एक पॉजिटिव प्रोनाउन है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास सी। सी जो है हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है जो फीमेल सेक्स को डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है, फीमेल सेक्स को डिनोट करता है। यहां पे सी सब्जेक्टिव केस होता है, हर इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, हर इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, और हर्स जो होता है वो इसका पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के, जैसे किसी ने कहा सी इज माई मदर, सी इज माई वाइफ, सी इज माई वाइफ, सो सी यहां पे क्या है,
एक सब्जेक्टिव केस है। सी यहां पे क्या है, एक सब्जेक्टिव केस है। और यदि मैं ऐसे लिख दूं आई लाइक हर, आई लाइक हर, तो हर यहां पे क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस है। हर यहां पे क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव प्रोनाउन का हम लोग नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे किसी ने कहा कि भाई दिस इज हर बुक, दिस इज हर बुक, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हर यहां पे क्या है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन आती है जो अधिकार को दर्शाता है हर, ठीक है ना। इस सेंटेंस को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि दिस इज हर्स बुक, दिस इज हर्स बुक, तो क्योंकि हर्स यहां पे क्या है, हर्स हमारा यहां पे पॉजिटिव प्रोनाउन है, और पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद में कोई भी नाउन नहीं आ सकती, ये नाउन यहां पे आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस बुक इज हर्ष, इज दैट क्लियर, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन दे है, जो मेल और फीमेल सेक्स दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। इसका यह सब्जेक्टिव केस इसका दे होता है, ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर होता है, और पॉजिटिव प्रोनाउन देयर्स होता है, देयर्स होता है। अब देखिए, they are my friends, तो यहां पे दे जो है वो क्या है, एक सब्जेक्टिव केस है। I like them, तो them यहां पे क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस है, थर्ड पर्सन का प्लूरल। अब देयर और देयर्स का नेक्स्ट पेज पे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, किसने कहा कि भी this is their book, ये उनकी किताब है, तो यहां पे their क्या है, their एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में कोई भी नाउन आ सकती है जो अधिकार को दर्शाता है, their, ठीक है ना। और इस सेंटेंस को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, दिस इज देयर्स बुक, दिस इज देयर्स बुक, TEIRS, दिस इज देयर्स बुक, क्यों, क्योंकि देयर्स जो है, ये देखिएगा, देयर्स क्या है, एक पॉजिटिव प्रोनाउन है, और पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद में कोई भी नाउन नहीं आ सकती। तो इस सेंटेंस को मैं कैसे लिख सकता हूं, दिस बुक इज देयर्स, दिस बुक इज देयर्स, क्यों, क्योंकि देयर्स जो है एक पॉजिटिव प्रोनाउन है, और पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद में मोस्टली फुल स्टॉप आता है, कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आती, कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं आती। भाई इसके बाद में एक रह गया था, एक इट और प्रोनाउन है नॉन लिविंग के लिए जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं, इट, इसका इट हो जाएगा, इसका इट हो जाएगा, इसका इट हो जाएगा, एंड दिस इज इट्स हो जाएगा, ठीक है भाई, दिस इज इट्स। सो मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बेसिक का। अब हम लोग बेसिक के हमारे टॉपिक हो गए हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में जो है ना एडवांस के ऊपर। भाई किसी ने मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि दूसरी वीडियोज जो हैं वो आपके पास आ सकें। सो मेरी बातों को ध्यान से सुना, मैं आप सभी का बहुत ही कृतज्ञ हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।